प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजबरा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के यूनिट बाय यूनिट हम आपको करा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहें और समझते रहें। जो भी आपकी यूनिटें रह गई हैं, हम आपकी 10th क्लास की टोटल यूनिटें करा देंगे, टोटल आपका सिलेबस करा देंगे। आप वीडियो देखते रहें और समझते रहें। सबसे मेन क्वेश्चन का समझना होता है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो शायद आंसर या सोल्यूशन बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन आपका है गोले का आयतन, ये आपका आयतन है, शॉर्ट में लिख रखा है हमने, 2304 पाई सेंटीमीटर क्यू है। इसको आप घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ज़रा ध्यान दें, ये आपका क्या है, पाई 2304 पाई सेंटीमीटर क्यू, इसको आप घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है तो बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए आगे, तो आर याद करो, आर का मतलब यहाँ पर क्या है, गोले की त्रिज्या। आगे आप देखिए अपने आंसर या सोल्यूशन में सूत्र या फार्मूला आपका क्या है। आयतन, आयतन का मतलब क्या है, यहाँ पर गोले की बात चल रही तो गोले का आयतन होगा, क्या होता है फार्मूला इसका, 4/3 पाई आर क्यू। जरा ध्यान रखें, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। जरा ध्यान रखें, आपको आयतन, गोले का आयतन आपको दे रखा है 2304 पाई, बराबर किसके होगा आपके फार्मूले के, 4/3 पाई आर क्यू। अब जरा आप ध्यान दें, पाई से पाई आपका कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, 2304 बराबर 4/3 आर क्यू। आगे आप देखिए आपको क्या निकालना है, आर क्यू बराबर, जरा ध्यान दें, आर क्यू बराबर, जब आप 4 से इसको काटेंगे तो क्या बार कटेगा, 576। इसको जब आप इससे काटेंगे तो क्या बार चला जाएगा, 576 गुणा आपका ये वाला 3, इसके गुणा में पहुंच जाएगा, तो आर क्यू बराबर क्या मिला आपको, 576 गुणा 24। जब आप इसका घनमूल निकालेंगे, किसका, 576 गुणा 3 का, जब आप घनमूल निकालेंगे गुणा करके, तो आपको R बराबर क्या मिल जाएगा, 12 cm, cm का मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर से है, 12 cm, cm का मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर से है। तो आपका हल करने पर या सोल्यूशन करने पर क्या आ गया, R बराबर 12 cm, लेकिन cm, cm मतलब सेंटीमीटर कहाँ से आया, देखिए अगर आपके क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लगाएं, अगर आपके क्वेश्चन में मीटर है तो आप मीटर लगाएं। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।